नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है मॉस रोज को कैसे हम नेक्स्ट सीजन के लिए बचा के रखें, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड अब ख़त्म हो चुका है। इसका ग्रोइंग पीरियड फरवरी से लेकर सितंबर तक होता है और अब अक्टूबर 2 तारीख हो चुका है। इसका ग्रोइंग पीरियड बहुत कम हो गया है, इसका फ्लावर भी कम खिल रहा है और साइज़ भी छोटे हो रहे हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए बचा के रख रही हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट सीज़न में ख़रीदना ना पड़े। मेरे पास ये 5 कलर का है तो मैं 5ों को अलग से ऐसे छोटे छोटे पॉट में कटिंग लगा के रखूँगी। इसके लिए हम 3 तरीके हैं बचाने का। एक तो आप, अगर आपने सीड कलेक्ट किया है तो उससे आप नेक्स्ट ईयर ग्रो कर सकते हैं। फरवरी में आप सीड मिट्टी में डाल दीजिए, ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अगर आपने सीड नहीं कलेक्ट किया है तो ऐसे कटिंग से आप कर सकते हैं। आप कोई भी हेल्दी ब्रांच लीजिए, जैसे ये हेल्दी ब्रांच लिया, आप इसका नीचे से ये 3-4 लीव्स आप हटा दीजिए और इसको ऐसे मिट्टी में डाल दीजिए और पानी इसमें दे दीजिए। ये कटिंग लग जाता है, ये अक्टूबर में लग जाएगा। नवंबर से ये चांसेस कम होता है क्योंकि ठंडी बढ़ जाती है। तो आप अक्टूबर में ऐसे, आपके पास ऐसे तो होगा ही क्योंकि हम लोग नर्सरी से पॉट ले आते हैं, पौधा ले आते हैं, तो इसी टाइप के थैली में मिलता है। तो वो मैंने मिलाई थी तो उसको मैंने गमले में रिपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके का मेरे पास काफ़ी थैली पड़ा था तो उसी में मैं ये डिफरेंट कलर के मॉस रोज, अलग अलग मॉस रोज में इसमें लगा दे रही हूँ ताकि नेक्स्ट सीजन में मुझे ये तैयार मिल जाए। और दूसरा है कि जितना भी, जैसे इसमें काफ़ी मैंने अभी ये कटिंग कर दिया है, इसमें जितने ये पॉट से बाहर लटके हुए हैं आप इसको काट दीजिए। ऐसे करने से एनर्जी सेव रहता है और ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। जितने कम है उतना अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। तो आप ये एक्स्ट्रा जो ये है लटका हुआ, ये सब काट दीजिए और आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और ये जितना भी है इसको आप चाहे तो कटिंग लगा दीजिए, या नहीं तो आप इसे खाद भी बना सकते हैं। कंपोस्ट, ये मैंने वीडियो बनाया है कैसे कंपोस्ट बनाते हैं, तो वो आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक। आप ये सब से भी आप खाद बना सकते हैं। और ये जितना ये एक्स्ट्रा है, ये आप लटका हुआ है, ये सब काट दीजिए और इसको आप ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे विंटर में, जहाँ पे फुल डे की धूप आती हो। अब विंटर में तो ज़्यादा धूप आए होता नहीं है, 2-3 घंटे ही प्लांट को मिल जाए वही बहुत है। तो ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे 2-3 घंटे भी का धूप इसे मिल जाए। और पानी का ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी इसे मत दीजिए। ये वैसे भी एक सकुलेंट प्लांट है और सकुलेंट प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है। और इसके लीफ इतने मोटे मोटे होते हैं, इसके ये खुद ही पानी होल्ड किया हुआ रहता है तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें आप चेक कर लिया करिए ताकि ये जब मिट्टी सूख जाए, पूरी सूख जाए, तब इसमें पानी दीजिए और सनलाइट में, फुल डे की सनलाइट में रखे। और इसमें कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है आपको विंटर में, आप इसको ऐसे एज इट इज़ रख दीजिए। बस धूप पड़े और मिट्टी जब सूख जाए तब उसमें पानी डाल दीजिए। और फरवरी में आप इसको धूप में रखेंगे तो ये अच्छे से, फरवरी में अपने आप ये ग्रो होने लगता है। तो आप इसकी कटिंग लेके आप दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं। इसका हैंगिंग बास्केट भी काफ़ी अच्छे से बन जाता है तो आप ऐसे ग्रो कर सकते हैं। ये पॉट में मैं ऐसे छोड़ दूंगी, प्लस ऐसे छोटे छोटे मैं कटिंग भी लगा दूंगी ताकि अगर ये पॉट में कुछ दिक्कत हो तो कटिंग से भी मेरा ये प्लांट बच जाए। तो ऐसे हम लोग नेक्स्ट सीजन के लिए अपने प्लांट्स को ऐसे हम लोग बचा के रख सकते हैं। और आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।